अस कही नारद सुमीरि हरि गिरि जहि दिनहि आशीष। होई अकल्याण अबे संशय तजहुँ गिरि। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो।